निषाद पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है और 37 सीटों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। हमारे साथ संजय निषाद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। संजय जी, आप 37 सीटों पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, कितना बड़ा कुनबा होता जा रहा है? 37 एनडीए का सिंबल है कि हम एनडीए के घटक दल हैं और 37 पर हमारी सेना है और हम 37 एनडीए को जिता के देंगे। और हमने नहीं कहा कि 37 में भोजन भरी थाली लगे, तो भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। और हमने कहा कि 37 पर हमारे गांव तक के हमारे कार्यकर्ता उसे बूथ है, हमारी पास सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे पास 37 सीटों का वो आप बाकी 3.5 से 4.5 लाख वोट उसका है। और इससे पहले हमने 2019, 2022, 2023 में देखा कि वोट का जो सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी 2022 में मैंने 15 सीटों में से 11 हारी हुई सीटें ली, 9 उसमें से जिताई। तो इससे हमने इस पर बात की कि हम 37 पर हमारी अधिक, बाकी पर भी हम 1 से 1.5 लाख वोट है, ऐसा नहीं है, वहाँ हमारे पास भी जिले के और ब्लॉक तक के संगठन है, लेकिन इस 37 में हमारे ग्राम सखा उसका हम समर्थन। पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें हार गई थी उस सीटों पर आप जिताने का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मैंने दावा में मैं कहता हूँ एक सेना भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी उस समय 15 दिन पहले आई थी, 15 दिन रह गया था तब आई थी 2019 में, फिर भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया था। तो आज तो मैं तो 5 साल हो गया ना, तो आज के दिन में हम लोग जो है मिलकर दोनों की रणनीति जब बनेगी तो दोनों अच्छी खासी आबादी हमारी है, इसलिए हम उसमें जितने भी हारी हुई सीट है वो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं जिताने का। सीटिंग को लेकर बातचीत कहां तक पहुंची? हम लोग देखो जीत के लिए काम करते हैं, हम लोग एक मुद्दे के हल के लिए, हम लोग सामाजिक नेतृत्व करता है, हम लोग समाज के वकील हैं, हम वकालत करते हैं उस मुद्दे के हल करने के लिए। तो इस वोट के और जीत के बहाने हम दिल्ली में मोदी और अमित शाह जी नड्डा साहब तक अपने समाज की बात को रखकर उनसे वकालत कराकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां बनवा रहे हैं और नेतृत्व करके उनके लिए पैसा मतलब नीत हो चाहे प्रधानमंत्री सपना हो, निषाद राय बोटे हो, मुख्यमंत्री हो, जो हमारे मछुआ कल्याण कोष, इसी तरीके से हमारा जो एक आरक्षण का मुद्दा है, हम भारतीय पिछली सरकारों ने तो इन्हें उलझाया, सारे लोग मिलकर इनको दूर रखा, मतलब जो इनके संवैधानिक अधिकार हैं उस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई में आज मोनी योगी जी पत्र लिखते हैं, आरजीआई एक्सेप्ट करती है, माननीय गृहमंत्री एक्सेप्ट करते हैं, तो इस पर चिंतन कर रहे हैं। तो जब जज जो है वकालत करने के लिए अवसर दे रहा है, जज संतुष्ट कर रहा है कि नहीं हम काम है, तो हम अपने समाज को करते हैं कि नहीं जीत दर्ज कराओ, फिर अपने आप तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये संजय निषाद हैं। संजय निषाद का कहना है कि हम 37 सीटों पर अपनी जो सेना बनाए हैं उस पर हम मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से उस पर एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और जीत दिला सकते हैं, साथ ही जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीटें हार गई थी उस पर भी जीत दिलाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।